बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 मैं करवा रही हूँ। 14 आप लोगों का होमवर्क है। तो वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस करने हैं, एक्स का स्क्वायर -7x -5x+35, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। पेयर्स बनाएंगे हम 2-2 के। ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया हमारे पास। पेयर्स बन गए हैं तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स है इसमें से, इट्स मीन हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन लिया, ये एक्स की पावर 2 थी, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर आ गया, -7x बाहर आ गया तो 7 रह जाएगा खाली। माइनस यहाँ से 35 और 5 के टेबल में 35 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 5 बाहर आ गया तो x रह गया, प्लस और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, ये देखें x-7 और x-7 दोनों में ब्रैकेट में आंसर सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये आंसर लिखेंगे, दूसरा हमारे पास ये वाला आंसर है, हम लिखेंगे x-7 और दूसरी ब्रैकेट में x-5। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x² -13x -2x+26। ठीक है, तो अब हम इनके भी पेयर्स बनाते हैं। ये देखें, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ से क्वेश्चन में से इसमें से हमने कॉमन लिया x, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x-13 माइनस, यहाँ पे 26 और 2 है, 2 आएगा यहाँ से कॉमन, 2 1 जार, यह प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, -2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये हमारे पास x-13 आ गया। दोनों ब्रैकेट में आंसर सेम है, ये देखें इन दोनों में सेम है, तो हम x-13 लिखेंगे और दूसरा आंसर हमारे पास आएगा x-2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ax-y -bx-y। अब ये देखें, यहाँ पे ब्रैकेट में तो दोनों के आंसर सेम है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, आंसर तो ऑलरेडी मौजूद है। हमने जस्ट ये करना है, हमने आंसर्स लिख देने, दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं x-y, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आया है, a-b, हमने वो लिख देने, बस इतना सा करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन। अब इसमें भी ये देखें, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में आंसर सेम है, y-a और y-b। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ गया y-a, दूसरा हमारे पास जो कॉमन लिए हुए आंसर्स थे वो हैं y-b, वो भी आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, जस्ट इतना सा करना है हमने। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी इसी तरह से, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर्स मालूम है, यहाँ पे कॉमन लिए हुए हैं, ये सॉल्व किया हुआ है, हमने जस्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला आंसर क्या है, PQ-RS। दूसरा हमारे पास जो कॉमन लिया हुआ है वो है a² + b², ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आज आपकी 6.3 मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, किसी भी दिन मैं आप लोगों का इसका टेस्ट ले सकती हूँ। बी रेडी, बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर रखा करें। और ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो आप लोग खुद करेंगे।